हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल ही न्यू डिश, और उस डिश का नाम है टमाटर का कोफ्ता। दोस्तों, इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टमाटर का कोफ्ता कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, इसे आप अपने घर जरूर ट्राई करिएगा, और इसे बताएंगे कैसे बनाया जाता है टमाटर का कोफ्ता। तो हमारे वीडियो को आप ध्यान से देखें। और दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जा सके और आप हमारे वीडियो देख सकें और हमारा न्यू रेसिपी आप बना सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने टमाटर के भरुआ बनाने के लिए इतनी सारी सामग्री इकट्ठी कर ली है। जैसे हमने लिया है टमाटर, और हमने ये यहाँ पे आप देख सकते हैं उबला वाला आलू लिए हैं, उबाल दिए हैं इसको और रख दिए हैं। उसके बाद इसके फ़ौरन के लिए हमने लिया है जीरा, और यहाँ लाल मिर्च है और तेज़ पत्ता है। और दोस्तों, इसके मसाले के लिए हमने लिया है धनिया, जीरा मरीच, और यहाँ लहसुन है और मिर्च है। दोस्तों, हमें दो बार मसाला को भूजना पड़ता है, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा ही मसाला लिया है। और यहाँ पे हमने रखे हैं नमक। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, और हम मसाले को अच्छी तरह से ग्राइंडर में पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देखें, टमाटर कितने अच्छे तरीके से काटा जा रहा है, ताकि इधर उधर ना कटे, और इसके अंदर वाले भाग को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। ज़रूर ट्राई करिएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दी। तो आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे तरीके से टमाटर के अंदर के जो गुद्दे थे वो हमने बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं पूरा अच्छी तरह से निकाल लिया है। इसी तरह करके हम सारे टमाटर के अंदर के भाग को बाहर निकाल लेंगे एक एक करके। दोस्तों, इसे निकालते समय बिल्कुल ना हबड़ाएं, इसे अच्छी तरह से निकालें, ताकि हमारा टमाटर जो है फटे नहीं। जब हमारे मसाले बाहर गिर जाएंगे तो हमारा भरुआ जो है बिल्कुल ख़राब हो सकता है, और तेल में पूरा अंदर छिटा जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फाइनली हमने सारे टमाटर को कितनी अच्छी तरीके से निकाल लिया है, और हम इसे एक कटोरे में रख लिए हैं। अब इसके मसाले को हम बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मसाले की बनाने के लिए हमने जो उबले हुए आलू रखे थे उसे हम अच्छी तरह से मसल लेंगे, ताकि तो आप देख सकते हैं हमारा कढ़ाई जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा तेल जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें फ़ौरन ऐड करेंगे, जैसे जीरा, और यहाँ पे हरा मिर्च हमने कट करके रख लिया था। हमारा मिर्च जो है अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें हल्का सा मसाला ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जो है लगे नहीं। अब देख सकते हैं हम मसाले को अच्छी तरह से भून रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है इसको अच्छी तरह से भुना चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा मसाला जो है आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं हम इसमें अच्छी तरह से आलू को मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसे कुछ देर के लिए भूनेंगे, और ये हमारा टमाटर का मसाला जो है बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में अच्छी तरह से निकाल लेंगे।
तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है बिल्कुल भुनाकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों हमारा मसाला जो है रेडी हो चुका था, अब हम इसे फिर से इसमें तेल डालेंगे ताकि अब हम इसको अपने टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। अब हम इसमें टमाटर ऐड करके और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, इसे चारों तरफ घुमा घुमा के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब देख सकते हैं हम तो आपको समझ रहे हैं कि टमाटर तेल में पड़ते ही गलने लगता है, लेकिन आप ये देखिए टमाटर बिल्कुल नहीं गलेगा, हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। दोस्तों ध्यान रहे एक समय 5-6 टमाटर को डालकर आप फ्राई ना करें, नहीं तो हमारा टमाटर जो है उसमें गल जाएगा तो हमारा रेसिपी बिल्कुल खराब हो जाएगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमने टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, और इसी तरह करके हम और भी टमाटर का फ्राई कर लेंगे। इसको थोड़ा ही देर के लिए फ्राई किया जाता है, दोस्तों ज़्यादा करेंगे तो ये गल सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने टमाटर के कितने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, और हमने यहाँ से तेल जो रखा था अब इसी तेल में हम इसके मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फिर से फ़ौरन जैसे 30 पत्ता, जीरा और लाल मिर्च। दोस्तों हम फिर से इसका फ़ौरन और मसाला तैयार करेंगे ताकि हमारा भरुआ है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे भरुआ को, इसलिए दोस्तों हम मसाले को तैयार कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, और हम प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे दोस्तों ताकि हमारा प्याज जो है बिल्कुल गल जाए और हमारा टमाटर का भरुआ बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो हम इसे तब तक अच्छी तरह से भूनेंगे और इसमें डाल देंगे इसको गलने के लिए हल्का सा नमक, ताकि नमक डालने से दोस्तों हमारा प्याज जो है बिल्कुल अच्छी तरह से जल्दी गल जाता है। और हम इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे थोड़ी देर पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा टमाटर है जो अच्छी तरह से छिला रहा है। आप भी ध्यान दें दोस्तों, इसे अच्छी तरह से ज़रूर छील लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने टमाटर के सारे ऊपर वाले परत को अच्छी तरह से छील लिए हैं। तब तक हमारे यहाँ प्याज अभी भुना रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा प्याज जब तक गल रहा है तब तक हम टमाटर के भरुए को इसमें जो आलू के मसाले बनाए थे हम लोग वो टमाटर में अच्छी तरह से भर देंगे। देख सकते हैं कैसे टमाटर को अच्छी तरह से आलू उसमें भरा जा रहा है, आलू के जो मसाले बना था आप देख सकते हैं। ऐसे करके हम सारे टमाटर में आलू के जो मसाले बनाए हैं वो हम भर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सारे टमाटर में अच्छी तरह से आलू के मसाले जो बनाए थे हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है। यहाँ हमारा प्याज जो है अभी अच्छी तरह से गल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने टमाटर के जो अंदर के भाग निकाल के रखे थे वो हमने प्याज में मिक्स करके इसको अच्छी तरह से गला लेंगे ताकि हमारा ग्रेवी जो है और अच्छी तरह से तैयार हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा टमाटर जो है बिल्कुल गल चुका है, टमाटर और प्याज जो है हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। हमने मसाले ऐड कर दिए हैं, अब हम इसमें डालेंगे नमक। स्वाद अनुसार हमने पहले भी उसमें नमक डाल दिए हैं, अब इसमें थोड़ा और कम डालेंगे नहीं तो हमारा नमक जो है अधिक हो जाएगा। अब हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से
भुना जाए। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे जा सके और हमारा वीडियो आप देख सकें और ऐसी नई नई रेसिपी आप भी अपने घर बना सकें। दोस्तों आप देख सकते हैं हम कितने अच्छी तरह से बीच बीच में मसाले को चलाते रह रहे हैं। अगर आप भी मसाले को बीच बीच में चलाते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा भी इसको छोड़ देंगे तो मसाला जो है हमारा लग जाएगा। अगर जल जाएगा मसाला तो हमारा टमाटर का जो रेसिपी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और कोई स्वाद नहीं आएगा। दोस्तों तो ध्यान दें आप इसे अच्छी तरह से चलाएं और टमाटर मसाले को अच्छी तरह से गला दें पूरी अच्छी तरह से। जब हमारा मसाला गल जाएगा तब हम इसमें, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से बिल्कुल ही अच्छी तरह से भुना चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, जितना हमको ग्रेवी रखना है दोस्तों उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। दोस्तों हमारा ग्रेवी जो है इसका बहुत ज़्यादा पानी नहीं वाला नहीं होना चाहिए, हल्का गाढ़ा होना चाहिए ताकि हमारा टमाटर का भरुआ जो है थोड़ा डूब जाए उसमें। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे मसाला में अच्छी तरह से उबाल आना चालू हो गया है। अब हम इसको पूरी तरह से उबाल ला देंगे इसमें और हमारा पानी में जब अच्छी तरह से चारों तरफ से बुलबुल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ग्रेवी जो है कितना गाढ़ा तैयार हुआ है बनके और कितना कलरफुल हुआ है दोस्तों। अब हमारा पानी जो है, अब हमारा मसाले में जो बुलबुले थे वो देखिए कितने अच्छी तरह से निकल रहे हैं। अब हम दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा पानी में उबाल कितने अच्छी तरह से आ चुका है। अब हम इसको गोल गोल टमाटर को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा तरह से हमने टमाटर को इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको हल्का हल्का चारों तरफ से मिला देंगे ताकि हमारा ग्रेवी जो है टमाटर के भरवे में अच्छी तरह से मिल जाए। अब हम तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये हमारा रेसिपी? तो दोस्तों हम इसे 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि टमाटर के अंदर हमारा ग्रेवी जा सके। देख सकते हैं अब हम इसको एक हटपट में अच्छी तरह से निकाल लेंगे। दोस्तों अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो प्लीज़ आप बार बार बनाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं वाह,